आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में फार्म हाउस में आयोजित शादी समारोह में दबंगे दिखाना पड़ा महंगा। तमंचा लहराने के वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के कैलाश फार्म हाउस में शादी समारोह का आयोजन हो रहा था। इस आयोजन के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ी पार्क करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान चार युवकों ने दबंगे दिखानी शुरू करते हुए पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ महानगर के साथ में सासनी गेट क्षेत्र में पिछले दिनों कैलाश फार्म हाउस पर एक शादी समारोह का आयोजन चल रहा था, जहां पर देर रात्रि कार्यक्रम में कुछ लोगों ने व्यवधान डालने का प्रयास किया। आरोप है कि युवक पजेरो गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और इन लोगों ने यहां पर संचालित डीजे फ्लोर पर महिलाओं के साथ नाचना शुरू कर दिया, जिस पर आपत्ति किए जाने के बाद ये युवक हमलावर हो गए और इन लोगों ने रिश्तेदारों पर पथराव व मारपीट करने के साथ साथ हाथ में पिस्टल लेकर सभी को धमकाने का प्रयास भी किया। इसके बाद यहाँ कुछ लोगों ने जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तब आखिरकार हमलावरों को यहाँ से भागना पड़ा। खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में दो लोगों के चुटैल होने का मामला भी सामने आया था। वहीं बाद में सीसीटीवी कैमरे में मिले फुटेज के आधार पर पिस्टल लहराने वाले आरोपी युवक की पहचान कर ली गई। अलीगढ़ से लाइव स्टूडियो न्यूज के लिए संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। थाने के अंतर्गत ये वीडियो है, इसमें कैलाश फॉर्म पे एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, उसी के दौरान जो है गाड़ी के पार्किंग को लेकर के दो पक्षों के बीच में वाद विवाद हुआ था। उसी में जो एक लड़का है मेन शैलेंदर, उसके द्वारा पिस्टल जो थी वो लहरा करके और एक फायरिंग करने का जो है उसमें तहरीर हमको मिली थी, उसी पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। धारा 336, 352, 323, 504, 506 के तहत, और इसमें जो है चार लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें जो खास करके शैलेंद्र जो कि वीडियो में दिख रहा है रेड कलर की हुडी पहने, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया और आज ही गिरफ्तारी का प्रयास।